बैद जी, कुछ समझ में आया? का कछु देखो नबज, लला की नबज। हाँ कछु नहीं बाहू। अब बैद जी तुम्हारा कुट मंजन वही है काए काए का, तुमने मोड़ा को ठीक नीक पर खपाओ। लला उठाए ले जाओ हंटर। बैद जी अब तुम्हारी कुट मंजनी चालू है। हमने पूरो ताकत लगाए दई। और लला करिया ने खाए लो। अब हम बताओ कैसे जिंदा करे बुनी आओ। अब तुम क्या कह रहे थे कि ठीक हो जे? अरे अपनी ताकत लगाई अब नहीं भाओ तो नहीं भाओ। अब मेरी ताकत लगी है तुम्हारे हमारी तो ठीक लगा भाई और नहीं मानत तो। तभी तो काट करे तुम तो है नेकी को कौन जमाना है। देखो बैद जी अब तुम्हें हम माफ करवाए दे रहे हैं, लेकिन ऐसे वादा कशिश मत करना। अब नहीं करिए पकड़ो हाथ पाए। अच्छा अब बैद जी एक बात सुनो, जब बिचारी ये बिचारी दुखियारी पट्टाचारा है इसका तो घर बिगड़ गयो। अब जाको कछु का करो जाए लला को वाको संस्कार करवाओ। कुछ संस्कार का कछु लगाए दे लला, संस्कार तो करवाने पड़िए। देखो माता बहनों पट्टाचारा के पास में इतनी गरीबी थी कि सुदा करके कफन के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे बंधु। तो जिस पे जो श्रद्धा हो माई बहन पर भाई बंधु पर, वो पट्टाचारा को कफन के लिए यानी सुदाकर के कफन के लिए उनका सहयोग करें। ले ये भैया दस मुद्रा आए, भगवान को सुख शांति प्रदान करें। और गरीबों की सुनो और वो तुम्हारी सुनेगा। और गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। एक पैसा दोगे वो दसी लाख देगा। हेलो हमारे भैया मुनेश तिवारी जी, दस मुद्राएं, दस मुद्राएं मनोज बाखन जी और दस मुद्राएं राजू भैया की फौज करेगी मौज। ये दम दान दे रहे हैं, भगवान को सुख शांति प्रदान करे। कथा बाकी है बहनों, अभी कथा का मेन शीर्षक बाकी है, बस ज्यादा ज्यादा 20 मिनट की कथा है। देखिए दुखियारी को तुम में छोड़ करके आप जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्र 20 मिनट की कथा है बहनों भाइयों।